नागौर जिले में कोरोना रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। जिले में कोरोना की संख्या बढ़कर विचित्र हो गई। कल नागौर जिले का नया शहर कोरोना की चपेट में आ गया। कुचामन शहर की रहने वाली महिला कांस्टेबल की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। कांस्टेबल की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद नागौर पुलिस में खलबली मच गई। कहीं ना कहीं प्रशासनिक लापरवाही आई सामने। जो कुचामन में पॉजिटिव आई महिला कांस्टेबल, पहले कोरोना पॉजिटिव आई महिला कांस्टेबल के साथ प्रबसन में ड्यूटी की थी। नियमानुसार उन्हें क्वारंटाइन किया जाना था, लेकिन उन्हें होम आइसोलेट कर दिया गया, जिससे उसके परिजनों में भी संक्रमण फैलने की संभावनाएं पूरी पूरी है। सूचना के अनुसार परिजनों को किया आइसोलेट। नागौर एसपी कुचामन ने कर्फ्यू लगाने के दिए आदेश। अब तक बासनी में 65, वहीं लाडनू में 6, परबसर में 3, कुचामन में 1 कोरोना रोगी मिले। इस बीच बड़ी सूचना सामने आ रही है, पांचौड़ी थाने में लगाया गया ऑटोमेटिक सैनिटाइजर टैनल। ये ऑटोमेटिक सैनिटाइजर टैनल जेबी टोली वर्क्स भामाशाह बाबू भाई की ओर से लगाया गया। बावंडा में पांचौड़ी पुलिस ने बिना मास्क लगाए घूमने वाले लोगों पर की कार्रवाई, 4 लोगों को किया गिरफ्तार। मैं सुरेश, न्यूज़ रिपोर्टर नागौर, न्यूज़ 21 के साथ।